वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है टाइप्स ऑफ वुड वर्किंग ज्वाइंट के बारे में। इससे पहले हमने जितने भी टूल्स यूज किए जाते हैं वर्कशॉप में, जैसे कटिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, सारा हमने कवर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप फीटर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमारा पहला ज्वाइंट है, उसका नाम है बट ज्वाइंट। क्या नाम है? बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट का फोटो आप नीचे देख रहे हैं। क्या होता है कि इसका एक इंड दूसरे इंड से चिपका दिया जाता है, या तो आप गम से चिपका दीजिए या फिर इस पॉइंट पे कोई रेनफोर्समेंट डाल दीजिए। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कोई स्टील का कील यानी नेल्स वगैरह यहाँ पे लगा दिया जाता है मजबूती के लिए। तो ये ज्वाइंट काफ़ी मजबूत नहीं होता, ये बिकेस्ट वुड ज्वाइंट होता है, इसको सबसे कमज़ोर ज्वाइंट भी बोला जाता है। फिर है ब्रिज ज्वाइंट। तो ब्रिज ज्वाइंट क्या होता है? तो ब्रिज ज्वाइंट इज अ वुड वर्किंग ज्वाइंट सिमिलर टू द मोर्टाइज और टेनन ज्वाइंट। जो मोर्टाइज ज्वाइंट और टेनन ज्वाइंट होता है उसके जैसा ही ब्रिज ज्वाइंट होता है। इसमें क्या होता है, आप फोटो देख रहे हैं, इसमें एक टेनन बनाया जाता है, मतलब इसके बीच में एक गैप बनाया जाएगा और इसको अलग से डाल दिया जाएगा। बीच में एक फास्टनर लगाया जाएगा, मतलब रेनफोर्समेंट डाला जाता है, यहाँ पे एक कील लगा देंगे जिससे कि उसको मजबूती मिलेगा। लिखा हुआ है मैकेनिकल फास्टनर्स। फास्टनर्स मतलब वही, या तो आप नट बोल्ट लगा दीजिए या फिर रिविटिंग लगा दीजिए या फिर आप एक कील लगा दीजिए, ठीक है। और पिन इज रिक्वायर्ड। रेनफोर्समेंट के में आपको फास्टनर चाहिए या फिर पिन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डवटेल ज्वाइंट। डवटेल ज्वाइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डवटेल ज्वाइंट इज द स्ट्रॉन्ग वुड वर्किंग ज्वाइंट। ये काफ़ी मजबूत ज्वाइंट है, ये टेंशन में काफ़ी मजबूत होता है, टेंसाइल फोर्स में ये काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद क्या है कि डवटेल ज्वाइंट का यूज कहाँ पे है, डवटेल ज्वाइंट का यूज कहाँ पे है? इसका यूज करते हैं साइड ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर के साइड जो जुड़ा होता है वो डवटेल ज्वाइंट से जुड़ा होता है। आपका अलमीरा का जो कॉर्नर है वो इसी से जुड़ा होता है। आप इसका फोटो देख रहे हैं, क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप्स काटे होते हैं वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होता है, जिससे कि वो लॉक हो जाता है, लॉकिंग फिनोमिना इसमें आ जाता है, इसलिए ये काफ़ी टेंसाइल में मजबूत ज्वाइंट बनता है। उसके बाद है फिंगर ज्वाइंट। फिंगर ज्वाइंट सारा कुछ उसमें सेम है, लेकिन क्या है इसमें कि इसमें इंक्लाइनेशन नहीं होता है, कॉर्नर पे इंक्लाइनेशन नहीं होता है, ये सामने सामने लिंक होता है, ये 90 डिग्री पे बना होता है। अब फिंगर ज्वाइंट इज अ वॉक्स ज्वाइंट, वन ऑफ द पॉपुलर वुड वर्किंग ज्वाइंट। ये वॉक्स ज्वाइंट है, जैसे आप उंगली एक उंगली दूसरी उंगली में लगाते हैं वैसा ही ये सेम ज्वाइंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फिंगर ज्वाइंट। उसके बाद है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या मतलब है, एक वर्कपीस है, दूसरा वर्कपीस का एक पीस का आधा थिकनेस काट देंगे, दूसरा पीस का भी आधा थिकनेस हटा देते हैं, उसके बाद उसको बीच में चिपका देते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इसको बोलेंगे, अगर आधा आधा काटे हैं तो इसको बोलेंगे हाफ लैप ज्वाइंट, अगर क्वार्टर काटते हैं तो क्वार्टर लैप ज्वाइंट इसको बोलते हैं। ये लिखा है फ्रिक्वेंटली यूज्ड वुड वर्किंग ज्वाइंट, मतलब इसका भी यूज फ्रिक्वेंटली किया जाता है सभी जगह पे। उसके बाद है मोर्टाइज और टेनन वुड वर्किंग ज्वाइंट। मोर्टाइज और टेन क्या करते हैं कि एक जो वर्कपीस है उसमें ग्रुप्स काट देते हैं और दूसरा है उसमें इस तरह का काट लेते हैं और इसको इसमें इंसर्ट करा देते हैं और बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट डाल देते हैं, जिससे कि उसका मजबूती बढ़ जाता है। तो इसको बोलेंगे टेन और इसको बोलेंगे मोर्टाइज। उसके बाद है रैबिट वुड वर्किंग ज्वाइंट। इसमें क्या होता है कि आप जैसा फोटो में देख रहे हैं, ये सीढ़ी नुमा इसमें कटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है टंग एंड ग्रुप्स ज्वाइंट्स। टंग एंड ग्रुप्स ज्वाइंट क्या होता है कि एक वर्कपीस है उसमें ग्रुप्स काट लेते हैं, ग्रुप्स काट करके इसमें एक टेनन टाइप का होता है जिसको टंग बोलते हैं और इसमें बीच में इंसर्ट करा दिया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, जो टेनन में होता है वो इंक्लाइनेशन नहीं होता है, लेकिन जो इसमें टंग होता है इसमें इंक्लाइंड किया जाता है, जिससे कि आपको लॉकिंग हो सके, एज लॉक हो सके, इसके लिए इसमें इंक्लाइंड काटा जाता है ग्रुप्स। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट वुड वर्किंग ज्वाइंट्स था, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा ज्वाइंट कहाँ पे यूज किया जाता है।